पीएम के उत्तराखंड दौरे की करेंगे। उत्तराखंड को आज बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी आज हजारों करोड़ की परियोजनाओं की देवभूमि के लोगों को सौगात देने जा रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी आज देहरादून के दौरे पर आएंगे, जहां वो परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम धामी समेत कई बड़े नेता मौजूद होंगे। वहीं अगर पीएम के दौरे की तैयारियों की बात की जाए तो पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बीजेपी की ओर से ऐसा दावा किया जा रहा है कि जनसभा में 1,00,000 से ज्यादा लोग जुटेंगे। आपको बता दें कि 2022 में यहां विधानसभा के चुनाव है और इसी को देखते हुए बीजेपी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। बीजेपी सत्ता में फिर से काबिज होने की प्लानिंग कर रही है। इसी कड़ी में पीएम का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ये देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी हुई ये दो तस्वीरें। इस वक्त देवभूमि को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ते और सख्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, तो वहीं चार धाम के तीर्थ पुरोहित भी आज देहरादून पहुंचे हैं। तीर्थ पुरोहितों ने तय किया है कि वो पीएम मोदी को गंगोत्री धाम से लाया गया गंगा जल भेंट करेंगे। और आपको बताएं कि धामी सरकार ने हाल ही में देवस्थानम अधिनियम को लेकर रद्द करने का फैसला लिया, जिसके चलते चारों धाम के तीर्थ पुरोहित पीएम मोदी और राज्य सरकार को धन्यवाद देंगे। एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा ने तीर्थ पुरोहितों से खास बातचीत की है। कोई अतिथि के रूप में देवभूमि आता था, उसका सत्कार सबसे पहले गंगा जल से होता है और ये तमाम तीर्थ पुरोहित हैं, ये इसीलिए यहाँ माँ गंगा का जल लेकर गंगोत्री से आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये गंगा जल भेंट किया जाएगा और ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि एक बड़ा फैसला राज्य सरकार ने लिया है देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने के लिए। लंबा आंदोलन किया तीर्थ पुरोहितों ने, उसके बाद सरकार ने खत्म करने की घोषणा कर दी और उसी के लिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद माँ गंगा का जल लेकर यहाँ पहुँचे। हम बातचीत करते हैं गंगोत्री समिति के अध्यक्ष, हमारे साथ हैं अध्यक्ष जी। बड़ा अच्छा दिन भी है, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और गंगा जल भी आ रहे हैं जी। माँ गंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा स्रोत रही है, बार बार उन्होंने मंचों से कहा है और गंगोत्री का पावन जल जो है हम लोग यहाँ परेड ग्राउंड में उनके स्वागत में लाए हैं। ये जो है हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। जैसे हमारे मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है मोदी जी के बाद, मोदी जी ने किसान आंदोलन वापस लिया, उसी प्रकार से जो है देवस्थानम एक्ट वापस लेके जो हमारे दिलों में खुशी की लहर चली हुई है उसके लिए जो है हम आज उनका आभार प्रकट करने जा रहे हैं। चारों धाम कितने साक्षात हैं, प्रत्यक्ष हैं, इसका उदाहरण आज आसमान में तेज चटकती हुई धूप से आप अंदाज लगा सकते हैं कि चारों धामों की कृपा भी जो है अब नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर धामी पे होने वाली है, क्योंकि कल और परसों की अब मौसम विभाग की आप फोरकास्ट देखें, 6 तारीख तक मौसम खराब होने की घोषणा है और कल बद्री और केदार में किस तरह से सफ़ेद बर्फ के रूप में पुष्प वर्षा हुई वह एक शुभ संकेत था और आज देखिए आप चटकती धूप इस बात का इशारा करती है कि कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद मिलने वाला है। निश्चित रूप से जैसा आपने पूछा कि 735 दिनों तक ये आंदोलन चला और आप एबीपीवी गंगा भी हमारे हम सफर थी आंदोलन की, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो या देहरादून हो, ऋषिकेश हो, हर छोटी बड़ी घटना को जिस तरह से जो है आप लोगों ने मीडिया ने प्रसारित किया, प्रचारित किया, निश्चित रूप से उसने भी एक बहुत बड़ा योगदान किया है। जब इतना बड़ा एक्ट 2 सालों से चला हुआ एक्ट आपने वापस लिया, इससे ज़्यादा अब क्या राहत की बात हम सब चार धामों के लिए हो सकते हैं? पुरोहित आए हैं चारों धामों से, अभी हम जो हैं 7 लोग आए हैं और यहाँ पर अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, उन्हें प्रसाद देंगे, आशीर्वाद देंगे आगामी चुनाव के लिए। काफ़ी खुशी है खासकर देवस्थानम बोर्ड को लेकर, इसीलिए तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं माँ गंगा का जल लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने आए हैं, उनका स्वागत करने आए हैं। देहरादून से प्रत्यक्ष ही क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा।